देश में एक ऐसी पहल केजरीवाल सरकार करने वाली है जो अगर लागू हो गया तो देश का एजुकेशन सिस्टम ही पूरी तरह से बदल जाएगा। दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही प्राइवेट स्कूलों को टेक ओवर करने की तैयारी में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन स्कूलों का संचालन अब किसी निजी हाथ में न होकर दिल्ली सरकार के हाथ में होगा और इसकी देखरेख का जिम्मा शिक्षा निदेशालय का होगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्रस्ताव दिया है जिसके तहत उसने कहा है कि वो 449 प्राइवेट स्कूलों को टेक ओवर करने के लिए तैयार है। सरकार जिन स्कूलों को टेक ओवर करने की तैयारी में है उनमें दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, स्प्रिंगडेल, एमिटी इंटरनेशनल साकेत, संस्कृति स्कूल और मॉडर्न पब्लिक स्कूल जैसे नामी गिरामी स्कूल शामिल हैं। इनमें अपने बच्चों का एडमिशन करवाने का सपना सभी पेरेंट्स देखते हैं। ये वो स्कूल हैं जिन्होंने मनमानी तरीके से फीस बढ़ा दी थी जिसके बाद सरकार ने उन्हें नोटिस जारी कर 9% ब्याज दर के साथ पेरेंट्स को पैसे लौटाने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है अगर 2 हफ्ते में ये स्कूल कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते या फिर पैसे नहीं लौटाते तो सरकार इन स्कूलों को टेक ओवर कर लेगी। ऐसे में अगर सरकार इन स्कूलों का टेक ओवर करती है तो दिल्ली के उन बच्चों का सपना पूरा हो जाएगा जो इन स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। इन स्कूलों को टेक ओवर करने के पीछे एक वजह ये भी है कि ये स्कूल दिल्ली सरकार की जमीन पर बने हैं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।